दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है ट्रक का एक टायर ऐसा उठा हुआ क्यों होता है, और तो और प्लास्टिक के चेयर पे ये होल क्यों होता है? और सबसे बड़ी बात जो हम बचपन से सोचते आ रहे हैं, टीचर रेड पेन और स्टूडेंट ब्लू पेन क्यों यूज करते हैं? दोस्तों, मिलेगा आपको इन सारे इंटरेस्टिंग सवालों का जवाब, बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान भारत में। तो सबसे पहले मेरे चैनल ज्ञान भारत को सब्सक्राइब कर देना ताकि कुछ बढ़िया आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, दोस्तों आपने प्लास्टिक के स्टूल के ऊपर ये होल देखा होगा। आखिर इस होल का काम क्या होता है? अगर आपको लगता है ये बस उठाने के लिए होता है तो आप गलत हो। जैसे कि आपको पता होगा, ऐसे स्टूल को एक के ऊपर एक रखा जाता है, और अगर ये होल नहीं होगा तो ये स्टूल आपस में चिपक जाएंगे। एयर प्रेशर और वैक्यूम की वजह से इन्हें अलग करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए होगी। और साथ में आपको यकीन नहीं होगा, अगर कोई ओवरवेट आदमी स्टूल के ऊपर खड़ा है और फिर भी ये टूल नहीं टूटा तो उसके पीछे भी इसी होल का काम है। नंबर 4, दोस्तों आपने कभी भी ट्रक को ध्यान से देखा होगा तो आपने ये बात तो पक्का नोटिस किया होगा कि ट्रक का एक टायर ऐसा उठा हुआ क्यों होता है। तो गाइस, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, ये जो टायर उठा हुआ रहता है, इस ट्रक का ड्राइवर इसे ऊपर और नीचे कर सकता है, और ड्राइवर इसे तभी हवा में लिफ्ट करते हैं जब ट्रक का लोड कम होता है, और जब ट्रक का लोड ज्यादा होता है तब इसे वो डाउन कर देते हैं। इससे ट्रक का फ्यूल कम वेस्ट होता है और बाकी टायर भी ज्यादा दिन तक टिकता है। नंबर 3, एक ऐसा देश जहां लोग मिट्टी की रोटी खाते हैं। जी हां दोस्तों, एक ऐसा गरीब देश है जहां लोगों के पास अनाज खरीदने के लिए पैसा नहीं है। यहां के लोग पहाड़ी मिट्टी में वनस्पति तेल मिलाकर उसका लेप बनाते हैं और उसके बाद उसे धूप में सुखाकर खाते हैं। नंबर 2, मुकेश अंबानी जी कौन सा फोन यूज करते हैं? उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये ब्लैकबेरी और एचपीसी का फोन यूज करते हैं जिसमें जियो का सिम है। नंबर 1, आपने देखा होगा टीचर हमेशा रेड पेन यूज करते हैं और बच्चों को ब्लू पेन या फिर ब्लैक पेन लिखने को दिया जाता है, लेकिन इसके कई रीजन है। सबसे पहले बात करें रेड यूज करने की, तो ये कलर बहुत ज्यादा ब्राइट होता है और इसलिए टीचर पेपर या फिर कोई भी चीज करेक्ट करती है तो वो उसे रेड पेन से लिखती है ताकि मार्क्स काउंट करते टाइम मार्क्स अच्छे से दिखे। और बात करें बच्चों की, तो उन्हें ब्लू और ब्लैक पेन क्यों दिया जाता है? तो अगर आप रेड पेन से पूरा एक पेज भर कर लिखोगे तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि रेड पेन ब्राइट होते हैं और वो आंखों को चुभते हैं। लेकिन उसी चीज को ब्लैक या फिर ब्लू में लिखोगे तो आपको देखने में अच्छा लगेगा और आंखों में भी नहीं चुभेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और मेरे चैनल ज्ञान भारत को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत देश।